पूरे 10 महीने की हो गई हो और पहले से 10 गुना क्यूट हो गई हो। बिल्कुल मेरे जैसे। मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन जॉली और मैं ये वीडियो डायरी बना रही हूँ ताकि बड़ी होकर तुम्हें पता चले कि तुम कैसे अजीब मेरा मतलब कितने अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, क्योंकि अगर तुम्हें उनके साथ रहना है तो अभी से झेलना पड़ेगा। निकी, तुम नाश्ता बिल्कुल पापा की तरह खाती हो। और ये है हमारी प्यारी सी मम्मी, हमेशा की तरह कितनी खूबसूरत। खूबसूरत खा, खूबसूरत डॉली, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना खा। हाँ, निकी, निकी ने खाना खा लिया, बहुत अच्छे से खाया। अभी निकी सात सब्जियों का सूप पिएगी जो सेहत के लिए अच्छा होता है। टेस्टी टेस्टी यामी यामी। देखा निकी, अगर मम्मी तुम्हें कभी भी कुछ खाने को दे तो पहले कहो खुद खाओ। और ये है हमारा बड़ा भाई रोहन, जो आज का होमवर्क फिर से आखिरी समय पे कर रहा है। डॉली, कभी तो सही बोला करो, ये आज का होमवर्क नहीं पिछले हफ्ते का है। निकी, मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन तुम दोनों एक ही क्लास में होंगे। और ये है हमारे पापा, जो बिजली का काम करते हैं। ओफो डॉली, तुम्हें कितनी बार समझाया, बिजली का काम नहीं बेटा, बिजली का आर्टिस्ट बोलो, जो लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। ऐसे अभी ठीक हो जाएगा। निकी, ये था हमारा पूरा परिवार। तुम शायद किसी को भूल रही हो। सनी मेरे भाई, मैं तुझे भूल ही नहीं, मैंने तो तुझे बस आखिर के लिए रखा था। तू निकी से कुछ कहना चाहता है? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। निकी, वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता तो इसलिए, वो क्या है ना, तुम उसके लिए सरप्राइज की तरह हो। मुझे तो लगता था कि सरप्राइज बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा सारे सुनो, आज शाम से मेरी हॉस्पिटल वाली नौकरी फिर से शुरू हो रही है, तो मुझे निकी को अकेले छोड़ना पड़ेगा पहली बार। इसीलिए स्कूल के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, सारे घर पर रहेंगे, पापा की मदद करेंगे निकी को संभालने। लेकिन माँ, मुझे तो लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, कल चली जाना। नहीं माँ, टाइमिंग्स फिक्स्ड है। वो क्या है, मुझे बायोलॉजी की किताबें पढ़नी है। बायोलॉजी या लवोलॉजी? रितेश के साथ लो, 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 लो। बस बस बस, इस पिलों को संभाल के रखो, कॉलेज में डांस पार्टी काम आएगा। पापा, आप कुछ बोलो। है जी। रॉन्ग नंबर बेटा। माँ, क्या है ये, अब हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वैसे बुरा मत मानना, पर एक बात बताओ, आपको एक और बच्चा क्यों पैदा करना था? बच्चे तो भगवान की देन होती है, और वैसे भी 3 बच्चे काफी थोड़ी ना थे हमें जिंदगी भर सताने के लिए। एक मिनट डॉली, बेटा इधर आओ। तुम्हारा कोई नया फ्रेंड बना है? क्या नाम है उसका? रितेश, रितेश। हाँ रितेश। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं उसके बारे में। देखो, एक जिम्मेदार बाप होने के नाते मुझे अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी बात भी पता होनी चाहिए। अच्छा पापा, मेरे नए स्कूल का नाम क्या है? डॉन का स्कूल ना। अरे बेटा हमें देर हो रही है, चलो चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। लेकिन पापा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अरे टाइम, शास्त्रों में लिखा है कि पढ़ाई पूजा के लिए पेट पूजा भी जरूरी है, लेकिन यहाँ तो पेट पूजा होती नहीं है। अरे बहुत देर हो रही है, चलो मुझे तुम्हें डॉन मॉस्को स्कूल छोड़ना है, चलो। डॉन मॉस्को मॉडल स्कूल? हाँ वही तो बोला था। ये कहाँ का डॉन है? मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा सन बेबी समझ ले तू भी नैपी, बांधो जब तू तैयार, आजा सन बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी।
सुनो जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ऐ फड़ो ये लिस्ट है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, निक्की को कब खिलाना है, कब सुलाना है, कौन सी दवाई कब देनी है, और जैसा इसमें लिखा है प्लीज वैसा ही वैसा करना। अरे हिमानी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, जब अवतार पापा है घर पे तो टेंशन क्यों है तुम्हारे सर पे। इसमें पढ़ो। सुनो जी, मेरा एक ही परिवार है, ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ हुई ना तो, और अगर निक्की रोए शोए तंग शंग करे तो उसे कोई टॉय शॉय दे देना, सारा घर उससे घिरा पड़ा है। वो तो मैं भी घबरा रही हूँ, पहले भी तो तीनों बच्चों को मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा पापा मेरा जन्मदिन कभी है? 13 सितंबर 24 मार्च। हाँ तो ठीक है ना, आस पास ही था। बाय निक्की, बाय बिट्टू। शिवाय 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 शिवाय। पापा मुझे आपसे एक सवाल करना था। हाँ बेटा पूछो। क्या कोई आदमी अपनी जीप से अपना आर्मपिट छू सकता है? आर्मपिट छू सकता है? एक सेकंड मैं बताता हूँ। ओए बच्चू मैं बच्चू। हाँ छू सकता है। थैंक्स। ये साइंस का क्वेश्चन था? नहीं मेरा अपना। हाय डॉली। हाय रितेश। हाय मैं हूँ अवतार सिंह, डॉली का पापा। हेलो अंकल। पापा ये है रितेश, वो क्या है ना कल हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लास टेस्ट है तो हमें बायोलॉजी पढ़नी है। अच्छा बायोलॉजी। तो अब अगर कोई हमें रास्ता दे तभी तो हम जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे। पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ, हटिए सामने से। थैंक्स। डॉली हमारी मम्मा ने तुम्हें मना नहीं किया था? लाइब्रेरी जाने से मना किया था, पढ़ने से नहीं। तो अब क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकती तो इसलिए मैंने किताबें ही घर मंगवा ली। अच्छा अच्छा मतलब तुमने अपनी मम्मी को बोल दिया इस बारे में? हाँ मेरा मतलब बोला ही होगा। आप देखिए ना पापा, मैं दिन में इतने सारे लोगों से इतनी सारी बातें करती हूँ कि मुझे कैसे याद रहेगा, है ना? डॉली तुम्हारा टीवी खराब है क्या? ये टीवी है नहीं, था। अब तक तो मैं इसमें एक माइक्रोवेव ओवन फिट कर चुका हूं, अब बहुत जल्द मैं इसमें एक कॉफी मेकर भी ऐड करने वाला हूं। इसके बाद ये कैसी मशीन बन जाएगी जिससे आप कुछ भी काम कर सकें। मैं एक बिजली का आर्टिस्ट हूं, कलाकार, और ये मेरी कला का एक छोटा सा नमूना है। कला का नमूना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही उम्र में काम पे लग गया था। मैं एक सेल्फ मेड सेल्फ स्टार्टर आदमी। तुमने केबल टीवी में वो ऐड नहीं देखा जिसमें बल्ब नाचता है सूट पैंट पहनकर? जी हाँ बहनर भाइयों, बिजली का नया अवतार, पूरा भरोसेदार अवतार बिजली कंपनी यानी ABC। ओ तो वो अवतार बिजली आप ही हैं? तुम्हें टॉयलेट जाना है? जी मैं? ओ मैं? मुझे तो डायपर बदलना है। मेरा नहीं इसका, मैं डायपर नहीं पहनता हूँ। सनी अब तू भी जाएगा या एम्बुलेंस बुलवाऊं? ठीक है। लेकिन दीदी वो जो क्यूट लड़का आने वाला था वो कब आ रहा है? सनी ओके ओके सेंटी क्यों हो रहे हो? डॉली मैं अपनी बुक लाना ही भूल गया। कोई नहीं, हम मेरी किताब से ही पढ़ लेंगे। अब ठीक है, साथ साथ बैठेंगे तो ही तो साथ साथ पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। डॉली मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना।
डॉली, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे चांद तारे दिखाई देने लगते हैं, अपने आप म्यूजिक सुनाई देने लगता है। ये तो रोहन की आवाज है, इसका कॉलेज का बैंड है, बहुत ही बुरा गाता है। यहाँ कहीं आसपास रहता है क्या? आसपास नहीं, इसी घर में रहता है। रोहन मेरा बड़ा भाई है। ओ तेरे की, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मेरे मम्मी पापा से हुई है। तुम यहाँ बायोलॉजी पढ़ो, मैं उस रोहन को देख के आती हूँ। रोहन, 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 रोहन। हाय डॉली, कैसी हो? रोहन, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज कम करो। नहीं, मेरी म्यूजिक की आवाज कभी कम नहीं हो सकती। क्यों, कुछ देर के लिए अपना बैंड बाजा बंद कर दो ना। हाँ रोहन, डॉली ठीक कह रही है, चल ब्रेक लेते हैं। नहीं, जो आवाज दिल से निकलती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ड्रम्स बजा, बढ़ाया ब्रेक का चाचा। अगर ये आवाज दोबारा आई तो तुम्हारे गिटार को खींच खींच के सितार बना दूंगी, समझे? लगता है आज डॉली पढ़ने के मूड में है। पढ़ने वढ़ने के मूड में कुछ नहीं है, उसका कोई खास दोस्त आया साथ में पढ़ने। क्या नाम है उसका? रितेश। रितेश, खास दोस्त? डॉली ने मुझे धोखा दिया। धोखा? अबे कद्दू, तुझे तो वो देखती भी नहीं है। क्योंकि वो शर्मीली है। अभी हमारी दोस्ती सीक्रेट है। सीक्रेट? कैसी सीक्रेट होए? ये दोस्ती है ना, सिर्फ तेरे दिमाग में है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया है। थोड़ा पास बैठे, किताब एक ही है ना। तो तुम कुछ जरूरी बात कह रहे थे म्यूजिक बजने से पहले। डॉली, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप में एक म्यूजिक बजने लगता है। और पता है तुम्हारी आंखों में क्या दिखता है? क्या दिखता है दीदी की आंखों में? क्या है सनी? मुझे भूख लग रही है, कोई खाना देगा मुझे? किसी को परवाह भी है कि इस घर में मेरी? खुद कुछ करना सीख, जा जा के आधा आलू का पराठा किचन से खा ले। को ये है मेरा छोटा भाई सनी, कितना प्यारा है ना। तुम कुछ कह रहे थे कि मेरी आंखों में। तुम्हारी आंखों में? अब बताओ ना, अब कोई नहीं आएगा। डॉली बेटा। क्यों है पापा? बेटा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम जरा निकी को संभालो। मम्मी को कोई नहीं बताएगा। पर मेरी कमर सही सलामत नहीं है। रोहन को बोलो गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाना होगा। और हाँ टॉली, निक्की का ख्याल तुम्हें रखना होगा। हाँ ठीक है। अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है। पापा बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जल्दी कर बेटा, मुझे तो लगता है कि मेरी कमर ही टूट गई है। कमाल हो गया पापा, यही गाना मैंने और पोपी ने बस पिछले हफ्ते ही लिखा था। कमर टूट गई दुश्मन की, अब नहीं जरूरत टेंशन की। ये कैसा लगा पापा? पता नहीं, तू गाड़ी चला। कमर टूट गई दुश्मन की, अब नहीं जरूरत टेंशन की। बंद कर गाना, तो वैसे भी इतना टेंशन। ये पापा गाना बिल्कुल हिट है। तो मुझे क्यों हिट कर रहा है नालायक? सॉरी पापा, थोड़ा दबा दू।
डॉली मुझे चलना चाहिए। नहीं, दूध पी के निकी सो ही जाएगी, ऐसा मम्मी कहती है। तो तुम कुछ जरूरी बात कह रहे थे? हाँ, तुम्हारी आंखों में एक जादू है। सच्ची? और तुम्हारे बालों की खुशबू। मेरा शैम्पू काफी अच्छा है ना? हाँ, एनीवेज जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो ये खुशबू मुझे घेर लेती है। ये कैसी खुशबू है? लगता है निकी का डायपर बदलना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा डैड, टेंशन क्यों लेते हो? तुम जैसी औलाद पैदा हो गई, अब क्या ठीक होगा? अच्छा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे सुनो, तुम्हारी मम्मी यहीं कहीं आसपास होगी, पकड़े मत जाना, कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम दिखाई ना दो। Come on, Dad. देखो इस चेहरे को, देखो। ऐसा चेहरा छुपाया जा सकता है? नहीं। हाँ? दफा हो जाओ। चेहरा छुपाओ, दफा हो जाओ, मैंने किने को कहा था? वो अगर मैं इस कोट को पहनूंगा तो दिखूंगा नहीं। स्मार्ट बॉय रोहन, स्मार्ट बॉय। डॉक्टर हो? डॉक्टर? ओ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आशा उन्नीकृष्णन, MBBS। साउथ इंडियन? हाँ साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन अब नॉर्थ से हूँ। शक्ल से तो बहुत छोटा दिखते हो, एग्जाम में चीटिंग की? हाँ मेरी बीवी वही कहती है। वैसे क्या प्रॉब्लम है? दिखा नहीं हुआ था क्या? अरे वैसे ना बॉटल का ढक्कन फंस गया है। कैसे ढक्कन हो तुम? मेरा मतलब है ये कैसे हुआ? अरे पापा ने बॉटल ओपनर तोड़ दिया। और मेरे पापा ने अपनी कमर तोड़ दी। ये पापा भी ना, वैसे मेरा मतलब है तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना क्या? इस बॉटल के ढक्कन को निकालो मेरे मुंह से। अच्छा वैसे तुम कौन सा बॉटल खोल रहे थे? सोजा निकी सोजा, नहीं तो रितेश चला जाएगा और मेरी जरूरी बात रह जाएगी। सोजा निकी सोजा, निकी सोजा। हाय डॉली, कुछ हुआ? हाँ निकी बस सो रही है, फिर हम तुम्हारी जरूरी बात करेंगे। मेरा मतलब पढ़ेंगे। तुम कितनी केयरिंग हो ना, सबका कितना ख्याल रखती हो, अच्छा लगा है देख के। मजा ही मजा। टोपी, तुम यहाँ पे? मैं तो किचन में कुछ खाने के लिए आया था, यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। एक मिनट, मैं बस अभी आई, तुम प्लीज कहीं मत जाना और तुम प्लीज कहीं चले जाना। तुम्हें शायद पता नहीं डॉली मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ क्या क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता डॉली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तू बाहर आ, तेरा हिसाब किताब करता हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज साइज, मेरी मैथ्स खराब है, हिसाब किताब रहने देते अभी। ओ डॉली, आंटी आपकी बिल्ली हमारे घर में नहीं है। ओ नहीं नहीं, पर मेरी बिल्ली तो मेरे घर में ही है डॉली, पर तुम्हारे घर का एक इतना मोटा चूहा और मेरे फ्रिज में से चुरा चुरा के मठियाइयां खा रहा है, अंडरस्टैंड? एंड दिस इज दैट चूहा। सनी, आई एम सॉरी रोली आंटी, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने इसे अंदर घुसने क्यों दिया? ओ नहीं नहीं डॉली, मैंने कब घुसने दिया इसको अंदर, वो तो खिड़की के रास्ते चोरों की तरह खुद घुस के चला आया ये बंदर। सनी, तुम्हें रोली आंटी से कुछ कहना है? हाँ रोली आंटी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बोल बोल। कल आप कौन सी मिठाई बना रहे हो?
कल मैं अपनी रसोई की खिड़की में लगाऊंगी इतना मोटा कुंडा, ताकि फिर से मेरी खिड़की से कूद कर ना आ जाए मेरे घर में तेरे जैसा कुंडा। सनी, क्या हुआ सनी, अंदर आ। नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं है, आपके पास तो मेरे लिए टाइम भी कहाँ है। क्या बात कर रहा है सनी। सनी, तू मेरा छोटा भाई है, मेरा सारा टाइम बस तेरे लिए ही है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, जब से निकी आई है तब से क्या मुझसे बात भी नहीं करता, मैं तो जैसे गायब हो चुका हूँ, कोई देखता भी नहीं मुझे। नहीं सनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे तुझे निकी के आने पे लग रहा है बिल्कुल वैसे ही मुझे लगा था जब तू पैदा हुआ था। तेरे एक दिन तूने रोहन पे उल्टी की और हम दोनों की दोस्ती हो गई, एक दिन तेरी और निकी की भी दोस्ती हो जाएगी और एक अनोखा रिश्ता बन जाएगा बिल्कुल हमारी जैसा। दीदी, हमारा रिश्ता कैसा है? हमारा रिश्ता बहुत गहरा है सनी, तू ही सोच, स्कूल का सबसे क्यूट लड़का घर में बैठा है और मैं यहाँ तेरे साथ बैठी हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा स्पेशल कौन हुआ? मैं, हाँ। देख सनी, हमारी बहन कितनी क्यूट है ना? अब तो मुझे भी नहीं कैसी लगी थी। डॉक्टर साहब, प्लीज थोड़ा खुजा दो। डॉक्टर साहब, थोड़ा कुछ नहीं। रोहन? हाय माँ, आप यहाँ पे? ये सब कैसे हुआ? हाय हिमानी, मरवा दिया नरवन। मुझे सच सच बताना। डैड फिसल के गिर पड़े और उनकी कमर टूट गई। हाय रब्बा, हाय। हाँ, लेकिन जब आप गिरे आपके हाथ में निकी तो नहीं थी ना? हाँ थी, लेकिन उसके बाद नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर से थी, मतलब मैंने उसे गिरने से बचा लिया। आपने मुझे वादा किया था कि आप इसको नहीं गिराएंगे। कम हो हिमानी, ये छोटा सा हादसा था। जानते हो, जैसा कैच मैंने लिया ना वैसा धोनी भी नहीं ले सकता। बोल ना रोहन। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे होगा, कैसे संभालूं आपके घर को, मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। हिमानी, सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। क्या ठीक है? मैं तो हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, चार चार बच्चे, घर, आप नौकरी, मेरे को लगता है मैं तो माँ बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं हिमानी, देखो तुम रो मत। देखो ये जो भी हुआ ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। देखो तुम बहुत ही काबिल और अच्छी माँ हो, मैं ही एक बेवकूफ बाप हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। अरे मम्मी पापा, दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आप तो दुनिया के सबसे अच्छी मम्मी पापा है। वैसे मैं, डॉली और सनी तो ठीक ही निकले, कितने स्मार्ट है हम। हाँ हिमानी, रोहन ठीक कह रहे हैं, देखो हमने तीन बच्चों को पाल के बड़ा किया है तो कुछ तो सही हुआ ही होगा ना, है ना? और रोहन को देखो, ए डॉक्टर बन गया है, तो कर्म होना चाहिए इस पे। मजाक मत करो, ये कोई मजाक करने का टाइम है? ये सब कैसे चलेगा? अगर हम दोनों काम करेंगे तो निकी को कौन संभालेगा? नहीं माँ, आप दोनों अकेले क्यों है, हम तीनों है ना निकी को संभालने के लिए, और अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो हम सब जिम्मेदार है। डॉक्टर आशा उन्नीकृष्णन, आपकी जरूरत इमरजेंसी कैब इन्फो में है, प्लीज जल्दी आइए। और चैन से बात भी नहीं करने देते, इमरजेंसी है, अभी आया। निकी सो रही है, सनी वीडियो गेम्स खेल रहा है, अब हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। थैंक गॉड, जो तुमसे मैं कहना चाहता हूँ वो कह के ही रहूंगा। कहो ना प्लीज। तो डॉली, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप एक म्यूजिक बजने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों में जादू है और तुम्हारे बालों की खुशबू, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि घर पे कोई है? कह दो कि अवतार सिंह आए हैं, उसकी बत्ती गुल करने हैं। पापा को दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने दे दिया इंजेक्शन, तब से ऐसी फेंकी बहकी बातें कर रहे हैं। रोहन को पकड़ो, हर काम के लिए रोहन को पकड़ो, गिर पड़ो रोहन को पकड़ो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? लगता है वो मेरी गाड़ी थी, मुझे चलना चाहिए। ठीक है बेटा,
खूब पढ़ाई करो, शाबाश, रोज आओ, लेकिन अभी जाओ। ओ मैं बच्चे डॉली, खाना खाया मेरे बच्चे ने? अच्छा बेटा मेरे को सोने जाना है, मेरे को पजामा दे दे। Sing is king. तो निकी आज तू हवा में उड़ी, वो भी टिकट के बिना। सनी फिर से पकड़ा गया, पापा सीढ़ियों से गिर गए और मैंने रितेश के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश। अच्छी खबर, निकी रितेश मुझसे कल मिलना चाहता है। एक और बात, जब तुम मेरी जितनी बड़ी हो जाओ और तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो कभी भी उसे घर मत बुलाना, क्योंकि अगर तुम बुलाओ तो बेस्ट ऑफ लक निकी। खुजली करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। वैसे दुखी लोगों की मदद करने से पुण्य मिलता है। आपको पता है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सेकंड और मदद करने में फर्स्ट। वैसे मेरा दिल बहुत बड़ा है और मुझे लोग बहुत पसंद है। हाँ।